अगले कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। हम अभी बहुव्रीहि समास को प्रारंभ किए हैं और बहुव्रीहि समास में एक लक्ष्य अभी है कि बहुव्रीहि समास के जितने मूल सिद्धांत हैं उन सभी सिद्धांतों का ज्ञान सामान्य रूप से कहानी के रूप में सभी बच्चे को समझ में आ जाए हिंदी में, कि कब कब किस किस स्थिति में किस प्रकार के शब्दों से ये बहुव्रीहि समास होता है। और फिर उसके बाद में जब इतना ज्ञान हमको हो जाता है तो समास बनने के बाद जो उसमें कुछ परिवर्तन होता है, कुछ प्रत्यय लगता है, कहीं पुंबद भाव होता है, ये सब जो प्रक्रिया है ये अवांतर प्रक्रिया है। तो इस अवांतर प्रक्रिया में ज़्यादा कठिनाई नहीं होती, तो इसलिए जो हमारा समास का जो मूल भेद था उसको लेकर के अपन प्रारंभ किए थे और उसमें हम क्रमिक पूर्व प्रस्ताव को याद दिलाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो जिसमें आपने पहले समानाधिकरण बहुव्रीहि के बारे में पढ़ा था, समानाधिकरण बहुव्रीहि के बाद में हमने आपको कहा था कि मूल इसके कुछ और भेद हैं विशेष शब्दों को लेकर के। व्यधिकरण बहुव्रीहि भी है, व्यतिहार बहुव्रीहि भी है, तुल्य योग बहुव्रीहि भी है, नय बहुव्रीहि भी है और प्रादि बहुव्रीहि भी है। ये मोटे मोटे तौर पे बहुव्रीहि समास के सीधे सीधे स्वरूप दिखते हैं। तो कल हमने व्यतिहार बहुव्रीहि के बारे में चर्चा की थी कि व्यतिहार बहुव्रीहि, ध्यान रखने की ये बात है, दो ही प्रकार के शब्दों से होता है ये तय है, और वह एक है तृतीयांत पद और एक सप्तम्यंत पद। तो तृतीयांत पद और सप्तम्यंत पद का जो समास होगा वह समास केवल व्यतिहार अर्थ में ही होगा और इन्हीं दोनों पदों से होगा, क्योंकि यह भिन्न समास है समानाधिकरण से, प्रथमांत से। इसीलिए ऐसे सभी शब्दों का प्रयोग बहुव्रीहि समास में विशेष किया गया है। जानकारी हमको कैसे ध्यान रखना है, तो आपको जो बार बार मैं प्रारंभ में कह रहा था कि ध्यान रखिएगा कि प्रथमार्थ में बहुव्रीहि समास नहीं होता है, अर्थात प्रथमा अर्थ जहाँ विशेष्य होता है उसमें बहुव्रीहि समास नहीं होता है। प्रथमांत पद से तो समास होता है लेकिन प्रथमार्थ विषय जहाँ होगा उसमें नहीं होगा। इसीलिए द्वितीयार्थ से हमने चालू किया था, यम सह, येन सह, यस्मै सह इत्यादि, वहाँ सारा समानाधिकरण का उदाहरण पढ़ा। कल जो आपने समास पढ़ा था व्यतिहार बहुव्रीहि में, उसमें आपने क्या कहा, दंडैश्च दंडैश्च प्रहृत्य इदम युद्धम, केशेषु केशेषु गृहीत्वा इदम युद्धम प्रवृत्तम इत्यादि प्रयोग में जब आपने सप्तम्य तृतीयांत पदों का समास किया, तो यह तृतीयांत पदों का समास कैसे हुआ? तो यह विशेष समास हुआ। विशेष समास केवल एक ही चीज में नहीं हुआ। आपने क्या कहा कि दंडैश्च दंडैश्च प्रहृत्य इदम युद्धम प्रवृत्तम, ये युद्ध हुआ। तो विशेष जो है, विशेष्य ये जो है, ये यह युद्ध, और विशेष्य यह युद्ध जो है ये प्रथमार्थ है, यह प्रथमार्थ है। तो प्रथमार्थ में तो समास हमने मना किया था, तो फिर प्रथमार्थ में ये सारा समास कैसे चल रहा है? यही एक विशेष ज्ञापक करता है कि प्रथमार्थ में भी यदि समास हो तो इस विशेष परिस्थिति में हो, व्यधिकरण में हो, तृतीयांत पदों के समानाधिकरण में हो, समान तृतीयांत पद में हो, सप्तम्यंत समान पदों में हो। ये विशेष अर्थ को ज्ञापित करने के लिए बहुव्रीहि में सारे नए नए सूत्र और नए नए समास चल रहे हैं।
उसी प्रसंग में जो आज का जो हमारा जो विवेच्य विषय है वह है बहुव्रीहि समास का तीसरा भेद बहुव्रीहि। योग अर्थबोध होने का ज्ञान करना, और ये बहुत प्रधान है क्योंकि मैं उतने ही चीजों को लेकर के अभी चल रहा हूं जो बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। तो क्योंकि ऐसे शब्दों का प्रयोग हम व्यावहारिक भाषा में, व्यावहारिक बोलचाल में भी बहुत ज़्यादा करते हैं, इसीलिए ऐसे शब्दों को पकड़ने के लिए हमें इसका ज्ञान होना चाहिए। तो आज का जो ये प्रसंग है, ये प्रसंग क्या है? तुल्य योग बहुव्रीहि। ये तुल्य योग अर्थ है, इस अर्थ में बहुव्रीहि करेंगे। तो ये क्या है तुल्य योग बहुव्रीहि? सूत्र के आधार पर हम समझेंगे, लेकिन अभी इतना समझ लीजिए सीधा सीधा कि योग का अर्थ होता है संबंध, योग का अर्थ होता है संबंध, और तुल्य का अर्थ होता है साथ, तुल्य का अर्थ होता है समान, एक जैसा संबंध। तो जहां समान संबंध होगा, समान संबंध एव तुल्य योग, तो समान संबंध एव यदि तरही यदि कदाचित तुल्य योग अपेक्षितः भवति चेत् तदा अपि बहुव्रीहि समासो बोध्यः। यदि तुल्य अर्थ बोध होना हो, एक साथ अर्थ बताना हो, तो ऐसी स्थिति में भी बहुव्रीहि समास कहना चाहिए। तो अब ऐसे अर्थ में बहुव्रीहि समास कहाँ कहना चाहिए, किस प्रकार के पदों से कहना चाहिए, उसको बताने के लिए सूत्र आया तेन सह तुल्य योगे। तेन सह तुल्य योगे, तो सबसे बात बड़ी बात क्या होती है कि यदि पाणिनि के सूत्र को हम प्रत्येक पद को यदि स्वयं देखें और उसका अर्थ विचार करें तो अर्थ वहीं से सारा का सारा निकल जाता है, और जिसकी व्याख्या हमारे आचार्य सब क्या करते हैं। तो इस सूत्र में तेन एक पद है, सह एक पद है, इति एक पद है, और तुल्य योगे एक पद है। तो तेन एक पद, सह अव्यय एक पद, इति अव्यय एक पद, तुल्य योगे ये सप्तम्यंत पद। और मैंने आपको कहा था कि विभक्ति का ज्ञान बहुत जरूरी होता है सूत्रार्थ करने में। तो तुल्य योग जो है इसमें सप्तमी विभक्ति एक वचन है, सप्तमी विभक्ति का अर्थ करते हैं मे पे पर। तो तुल्य योग होने पर, अब तुल्य योग अर्थ जो है ये द्योत्य अर्थ है, द्योतित है, प्रकाशित हो रहा है, इसीलिए अर्थ ये करेंगे तुल्य योग अर्थे द्योत्य। तो तुल्य योग अर्थ द्योत्य होने पर समास होता है। अब किस प्रकार के शब्द का समास होगा उसको बताने के लिए सूत्र आ गया तेन। तो तेन पद जो है ये सर्वनामवाची पद है और तृतीया विभक्ति का रूप है। तो सर्वनामवाची पद जिस विभक्ति में रहता है वो उस प्रकार के शब्द का बोधक हो, सर्वनामवाची होने के कारण, क्योंकि सर्वनामनः बुद्धिस्थस्य परामर्शकः प्रधान परामर्शकश्च। सर्वनाम जो आती जो शब्द होता है वो आपके बुद्धि में जो बातें होती है उसका परामर्शक होता है, बोधक होता है, या जिसका प्रसंग चल रहा होता है उसका बोधक होता है। तस्मात् तो सर्वनामवाची पद से जैसा भी अर्थबोध हम करना चाहते हैं वो हमारे बुद्धिस्थ या चर्चा का जो प्राकरणिक प्रसंग होता है उसके आधार पर होता है। उदाहरण के तौर पर यदि कश्चन इदानीं गच्छति देवदत्तः तर्हि अहम् कथयामि देवदत्तः गच्छति इत्यस्य स्थाने सः गच्छति। देवदत्त जा रहा है उसके जगह पर हम बोलते हैं सः गच्छति, वह जाता है। तो सः इति सर्वनामवाचकं पदम्, तस्य सर्वनामवाचक पदस्य इदानीं यो ही विद्यमानः जनः वर्तते देवदत्तः स तस्य परामर्शकः, वो उसका परामर्शक होगा। तो
तो जब परामर्शक होगा तो सह का अर्थ हो गया देवदत्त, लेकिन क्षणानंतर में ही यदि देवदत्त चला गया और वहाँ यज्ञदत्त जा रहा है, उसको भी देख करके हम बोलते हैं सह गच्छति, तो अब वही सहपद इस समय में देवदत्त का बोधक नहीं हो करके यज्ञदत्त का बोधक होगा, क्योंकि आपकी बुद्धि में, आपके सामने में अभी यज्ञदत्त उपस्थित हो गया है। तो सर्वनामवाची शब्द हमेशा बुद्धिस्थ या प्रधान का परामर्शक होता है। तो यहाँ जो तेन तृतीयांत पद होगा, ये तृतीयांत पद सब चूँकि सर्वनामवाची है, तो ये अपने बल के द्वारा जितने भी तृतीयांत पद होंगे उसका ग्रहण करा देगा। तो इसीलिए तेन पद का अर्थ हो गया तृतीयांत पद। अब यहाँ तेन में तृतीया विभक्ति है, आगे सह शब्द है जो अव्यय है, साथ का वाचक अव्यय है, तो उस सह शब्द के प्रयोग के कारण भी तेन जो तृतीया विभक्ति है वो अप्रधान में है। अप्रधान में तृतीया है, ध्यान दीजिए, कारक प्रकरण पर पढ़े होंगे, सह युक्ते अप्रधाने, सह शब्द के साथ का वाचक सह शब्द का यदि हम प्रयोग करते हैं तो अप्रधान में तृतीया विभक्ति होती है। अप्रधान कौन होता है ध्यान रखिएगा, अप्रधान होगा, हम सीधी बात पे कहेंगे, जिसके साथ में काम होगा वो अप्रधान होगा। कथम तस्य अप्राधान्यम इति चेत, उसकी प्रधानता अप्रधानता कैसे लेते हैं, कैसे पता चलता है कि प्रधान होता है, अवगम्यते न वा। यद्यपि भवताम संख्या इदानीं न्यूनः एव प्रतीयन्ते, अथापि अस्माकं तथा तात्पर्यं नास्ति, छात्राः भवन्तु न वा भवन्तु, एकोपि यदि कश्चन ग्राही भवति चेत् तर्हि अध्यापकानां कृते वरम्। कठिनाई तो नहीं हो रहा है, आप लोग बोलते रहिए, हाँ ठीक चल रहा है इत्यादि। तो अभी ये प्रसंग चल रहा है, और दूसरी बात अभी है कि मैं आपको अभी ये देख रहा हूँ कि आप लोगों को कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, कम से कम बैठने की आदत यदि आधा घंटा एक घंटा हो जाए तो ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। आज के ज़माने में किसी को भी चैन से कह दिया जाए कि आधे घंटे तुम स्थिरता पूर्वक बैठ जाओ तो मुझे नहीं लगता है कि ये संभव होता है। बैठेगा भी तो कभी इधर कभी उधर कभी इधर, तो ये जो हमारी चित्त की विभ्रमता है, ये जो चित्त का जो हमारे चांचल्य है, यह हमको कोई काम करने नहीं देता है। तो आज के छात्रों को आवश्यक होता है पहले स्थिरता पूर्वक बैठ जाए एक बार, और बैठ जब जाता है तो धीरे धीरे वह विषय भी पकड़ में आने लगता है। तो इसलिए कोई बात नहीं, तो मैं ये चर्चा कर रहा था कि तेन जो पद है वो तेन पद तृतीयांत पद, और तृतीयांत पद जो है उसमें तेन में जो तृतीयाभिव्यक्ति है वह सहयुक्ते अप्रधाने सूत्र से तृतीयाभिव्यक्ति है। सहयुक्ते अप्रधाने सूत्र से जो तृतीयाभिव्यक्ति होती है अप्रधान में होती है। जैसे आपने कहा पुत्रेन सह पिता गच्छति, तो पुत्रेन सह पिता गच्छति इस वाक्य में पुत्र के साथ में जा रहा है, कौन जा रहा है, पिता, इसीलिए पिता प्रधान है, पुत्र के साथ में जा रहा है इसीलिए पुत्र अप्रधान है। वाक्य में देख के तो झटित छात्र बोल देता है कि पिता प्रधान है, लेकिन यदि इसी वाक्य को हम उल्टा कर दें कि पिता के साथ पुत्र जाता है, अब यदि कोई पूछ देता है कि इस वाक्य में प्रधान कौन है ये बताओ, पिता के साथ पुत्र जाता है इस प्रधान कौन है ये बताइए, तो जवाब क्या होता है, संकुचित भाव से कहें क्या, पिताजी को अप्रधान कैसे बोलेंगे, जाता तो होना तो चाहिए पुत्र प्रधान। तो ये बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात इसलिए है कि हमारे अंदर जो एक संस्कार बैठा है कि पुत्र के सामने में पिता कभी अप्रधान नहीं होगा, ये बहुत अच्छी बात है और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि पिता हमेशा प्रधान होता है। लेकिन ये वाक्य की प्रक्रिया है, ये वाक्यार्थ बोध की प्रक्रिया है। यहाँ पर मैं प्रधान अप्रधान हम पिता पुत्रत्वेन नहीं लेते हैं, यहाँ प्रधान
आधार पर लेते हैं। तो क्रियायाम यस्य साक्षात अन्वय स एव प्रधान। क्रिया अन्वय होता है होता है, और क्रिया के साथ जिसका अन्वय नहीं होगा वो अप्रधान होगा। तो प्रथम वाक्य जो हमने बोला कि पिता के साथ पुत्र जाता है, तो इस वाक्य में कौन जा रहा है? पुत्र है। तो पुत्र चूंकि क्रिया के साथ में जुड़ गया डायरेक्ट, इसीलिए पुत्र ही प्रधान है। लेकिन जहां पुत्र के साथ पिता जाता है इस वाक्य में है, तो वहां पिता का साक्षात क्रिया के साथ अन्वय है, इसीलिए क्रिया के साथ अन्वय होने के कारण पिता प्रधान है। तो इत्थम निष्कर्ष है, ये निष्कर्ष हुआ कि प्रधान अप्रधान जो होगा वो क्रिया के बल से होगा, इसीलिए अप्रधान में तृतीया होती है। पित्रा सह पुत्र गच्छति, पुत्रेण सह पिता गच्छति इत्यादि बोध होता है। तो यहाँ पर में भी सह शब्द है और तृतीया में, तो अप्रधान शब्द में इसके द्वारा तृतीयांत पद का ग्रहण करेंगे, तो कहीं भी यदि तृतीयांत पद होगा तो उस तृतीयांत पद के साथ समास होगा। क्या अर्थ निकला? कि तृतीयांत पद के साथ समास होगा। कब होगा समास? तो अभी तुल्य योगे आकर के कहा था कि समान संबंध बोध होने पर, तो समान संबंध बोध होने पर समास तृतीयांत पद का, ये दो पदों का अर्थ निकला। अब समान तृतीयांत पदों का समास होगा, समान संबंध तुल्य योग होने पर किसके साथ? तो इस सूत्र में प्रथमांत पद की अनुवृत्ति आ रही है शेषो बहुव्रीहि से, सहसुपा सूत्र से सुप की अनुवृत्ति सब जगह चली आ रही है, इसीलिए सुप जो होगा प्रथमांत पद ये अन्वित होगा, और सुप के अन्वित होने के कारण अर्थ हो जाएगा प्रथमांत सुबंत पद। क्या अर्थ होगा? प्रथमांत सुबंत पद। अब इसका अर्थ क्या निकला? तृतीयांत पदों का प्रथमांत सुबंत पद के साथ समास होता है, और वो समास कौन सा होगा? तो शेषो बहुव्रीहि से बहुव्रीहि की भी अनुवृत्ति आ रही है, विभाषा का अधिकार चल रहा है। तो ये सारे के सारे अर्थ जुड़ करके इस सूत्र का ये अर्थ पूरा करेगा कि तृतीयांत पदों का प्रथमांत पद के साथ में तुल्य योग अर्थ में समास करेगा, और वो जो समास होगा वो बहुव्रीहि समास कहलाएगा। अवगतम? तो अब यहाँ जो ध्यान में ये रखना है, तुल्य योग होने पर, और तुल्य योग ये अर्थ द्योतित हो रहा है, इस तुल्य अर्थ को कौन द्योतित कर रहा है? तो इसी में पद जो आ गया है सह। सह जो है यह अव्यय ही तुल्य योग अर्थ को द्योतित कर रहा है। तो द्योतितार्थ जो तुल्य अर्थ है वही अर्थ होगा कि तुल्य योग समान संबंध तम यदा सह शब्दो द्योतित, इस तुल्य अर्थ को जब सह शब्द द्योतित करता हो तदा तृतीयांत पदेन सह प्रथमांत पदस्य प्रथमांत सुबंतस्य समासो भवति सच बहुव्रीहि। तो सह शब्द जो है इस सूत्र में यह द्योतित करेगा किसको? तुल्य अर्थ को। तो इस तरह से यह जो सूत्र है यह तृतीयांत पद का करेगा और इस अर्थ में करेगा। अब फिर पूर्व में ध्यान दीजिए, बार बार जो मैं कहा था कि बहुव्रीहि समास प्रथमांत पदों का ही होता है, बहुव्रीहि समास प्रथमांत पदों का ही होता है, ऐसी स्थिति में इस सूत्र के द्वारा भी जो समास विधान कर रहे हैं आप, वो तृतीयांत पद का प्रथमांत कर रहे हैं, ये समानाधिकरण बहुव्रीहि नहीं है, ये व्यधिकरण बहुव्रीहि है। और ये व्यधिकरण बहुव्रीहि फिर आपने कर कैसे दिया? तो जत्र यत्र किमपि विशिष्टम ज्ञापकम भवति तत्र तत्र च विशेषण नियमः, जब कोई भी विशेष चीज का ज्ञापन करना होता है तो विशेष चीज के द्वारा ही ज्ञापन करते हैं, इसीलिए जो है ये भी एक ज्ञापन करता है। ज्ञापन ये करता है कि यह, और इतना ही नहीं,
उदाहरण से पहले आइए, फिर आगे चर्चा करते हैं। अब इस सूत्र का उदाहरण पुत्रेन सह आगदत्तः, मान लीजिए वाक्य है पुत्रेन दत्तः, तो ऐसी स्थिति में पुत्रेन सह में आगतः इस अर्थ में हम समास कर रहे हैं, समान संबंध है, तो पुत्रेन में तृतीया विभक्ति है, इसीलिए पुत्र टा और सह शब्द जो यहाँ दिया है उसका समास करेंगे। अब सह शब्द के साथ में समास हम कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, वह प्रथमांत पद के द्वारा अभिष्ट है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए यहाँ पर मैं प्रथमांत अभिप्सित कौन है, सह पद, इसलिए प्रथमांत सह पद जो है ये अभिप्सित है, साथ में समास होगा यहां। इसी बात को बताने के लिए सह शब्द के बाद में इस सूत्र में इति पद दे दिया। इति पद जो होता है वह इति पद तद पूर्व का स्वरूप का बोधक भी होता है, उसके अर्थ का बोधक भी होता है। जैसे अयुन रिल्ड के उंग यो छायवृत लणियनंगनम इत्यादि हम पढ़ लेते हैं और फिर कहते हैं इति माहेश्वराणि सूत्राणि, ये ऊपर जो कहा गया है अंगुल्या निर्देश, ये माहेश्वर सूत्र है, ये अर्थात सह इति पदम यदि सहार्थे अस्मिन अर्थे द्योत्ये चेत तरहि सह इति पदम प्रथमांतम पदम समस्यते, सह का समास होगा। तो इसीलिए यह पुत्रेन सह जो है इस अव्यय का जब हम समास करेंगे तो पुत्र टा और सह सु, सह के बाद सु ना भी लाएंगे तब भी चलेगा, लेकिन सह। अब पुत्रेन सह में पुत्र टा सह ये हमारा अलौकिक विग्रह हो गया, अलौकिक विग्रह होने के कारण यहाँ पर में जो सह शब्द है वो साथ अर्थ को भी द्योतित करता है कि इसके साथ तो रहेगा कोई न कोई, साथ होने के लिए अकेले साथ नहीं हो पाएगा, जब ही साथ शब्द का प्रयोग करेंगे तो साथ में कोई न कोई होगा, इसीलिए साथ इत्यादि जो शब्द होता है वो उसका अर्थ का वाचक होता है। तो इस चीज को ध्यान में रख करके स्वरूप का बोध कराने के लिए इति पद के द्वारा प्रथमांत पद का जो यहाँ ग्रहण है वह सह ये पद है। अब जब समास कर दिया तो समास करने के बाद प्रथमांत पद हो गया आपका सुवंत सह इति सूत्र में, ये इसलिए हमको बताना जरूरी है कि इसकी प्रक्रिया में थोड़ा सा हम अभी ध्यान देंगे। अब जह सह शब्द है तो समास कर दिया तेन तुल्य योगे, तेन सह तुल्य योगे सूत्र से समास होकर के वही विभक्ति का लोप हो जाएगा। विभक्ति का लोप जब हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में स्थिति बनी क्या, देवदत्त पुत्रेन सह था तो पुत्र सह। अब यह सह शब्द का की हम करेंगे उपसर्जन संज्ञा, सह शब्द की उपसर्जन संज्ञा होगी। अब यहीं पर मैं आ जाइए जहां छात्रों में भ्रम होता था, जिसकी चर्चा मैंने कुछ पहले की थी, यहां जो उपसर्जन संज्ञा होती है वह प्रथमानिर्दिष्टम समास उपसर्जनम सूत्र से उपसर्जन संज्ञा करते हैं। प्रथमानिर्दिष्टम समास उपसर्जनम सूत्र ये कहता है समास शास्त्रे यत् प्रथमानिर्दिष्टम पदम भवति तत् उपसर्जन संज्ञकम भवति, समास शास्त्रे नाम समास विधायके सूत्रे, समास शास्त्रे नाम समास विधायके सूत्रे, येन सूत्रेण समासः क्रियते येन सूत्रेण समासो विधीयते तस्मिन् सूत्रे यत् प्रथमान्तं पदं तस्य प्रथमान्तपदस्य उपसर्जन संज्ञा भवति विग्रहवाक्ये, विग्रहवाक्य में उस प्रथमांत पद की उपसर्जन संज्ञा होगी। जैसे हमने आपको कहा कि कृष्णस्य समीपम उपकृष्णम, इस स्थिति में कृष्णस्य कृष्णगस उपसु, अब यहाँ उपसु जो है ये बाद में है, प्रथमांत पद है, इसीलिए इसकी उपसर्जन संज्ञा हुई है, ऐसी बात नहीं। यहाँ समास करने वाला जो सूत्र था कौन, अव्यम विभक्ति समीप समृद्धि व्यरिध्यर्था भावात्या संप्रद शब्द प्रादुर्भाव पश्चाद्य आनपूर्व योग पद्य सादृश संपत्ति साकल्यांत वचनेषु इत्यादि, इस सूत्र में अव्ययम, ये अव्ययम पद प्रथमांत है, इसीलिए जहाँ कहीं भी उपसर्जन संज्ञा होगी वो अव्यय पद की होगी, और अव्यय पद जो है इसमें उप है,
इसीलिए सूत्र में निर्दिष्ट प्रथमांत होने के कारण अव्यय की उपसर्जन संज्ञा होती है, और उपसर्जन संज्ञा जिसकी होती है उसका पूर्व प्रयोग करते हैं तो उप पहले चला जाता है, बाद पूर्व में आ जाता है तो उपकृष्ण प्रयोग बन जाता है, और उपकृष्ण बनने के बाद फिर आप उपकृष्ण बना लेते हैं। ध्यान दीजिएगा ये प्रक्रिया, ये इसलिए नहीं कि उपसू था इसीलिए उसकी उपसर्जन संज्ञा हुई है, ऐसी बात नहीं है। उदाहरण से दूसरे में आ जाइए, सूत्र में हम सूत्र आगे पढ़ते हैं, तत्पुरुष समास में द्वितीया श्रुतातीत पतित गता त्यस्त प्राप्तापन्न ही, ये सूत्र कहता है द्वितीयांत पदों का श्रुत आदि पदों के साथ में समास होता है। ठीक चल रहा है क्या, ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हाँ, ऐसा है कि कहीं प्रकरांतर में नहीं, क्योंकि चूंकि विषय को थोड़ा और क्लियर करते हुए और समास का पूर्ण ज्ञान हो इसीलिए कुछ पीछे के उदाहरणों के साथ हम आपको समझाते हैं। तो यहाँ चर्चा हम कर रहे थे क्योंकि कई बार हम परीक्षा में भी या प्रयोग में भी उपसर्जन पदार्थ को हम ध्यान नहीं देते हैं, तो सीधा सीधा ये सूत्र क्या कह रहा है कि प्रथमांत पद जो सूत्र में है, जिस सूत्र से समास कर रहे हैं उसकी उपसर्जन संज्ञा होगी। तो हम ये चर्चा कर रहे थे कि द्वितीयाश्रितातीत पतित गता त्यस्त प्राप्तापन्न ही जो सूत्र है, ये सूत्र कहता है कि द्वितीयांत पदों का प्रथमांत पदों के साथ में श्रित आदि प्रकृतिक शब्द के साथ में समास होता है। तो हम उदाहरण बनाते हैं कृष्णम श्रितः, कृष्ण श्रितः, तो कृष्णम श्रितः कृष्ण श्रितः में कृष्ण अम और श्रित सु। आपको श्रित सु में प्रथमा से निर्दिष्ट पद कौन है, तो कौन दिखाई दे रहा है आपको, सु, श्रित सु। तो श्रित सु यदि प्रथमांत पद है तो अब इसकी उपसर्जन संज्ञा होगी, उपसर्जन संज्ञा होगी तो अब इसका क्या होगा, पूर्व प्रयोग। अब पूर्व प्रयोग होगा तो प्रयोग क्या बनना चाहिए, श्रित कृष्ण, कृष्ण श्रित कथम। बात समझ में आ रही बात, इसका मतलब विग्रह वाक्य में श्रित सु प्रथमा निर्दिष्ट होने पर भी उसकी उपसर्जन संज्ञा कभी भी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ प्रथमा निर्दिष्ट पद कौन होगा, जिस सूत्र से हम प्रथमा समास कर रहे हैं, और समास किस सूत्र से कर रहे हैं, द्वितीया श्रितादि इत्यादि सूत्र से, और में द्वितीया जो शब्द है इस सूत्र में, द्वितीया जो पद है वो द्वितीया पद रमा शब्द की तरह प्रथमा के एक वचन में बना है द्वितीया, इसीलिए प्रथमांत पद है द्वितीया। ध्यान रखिएगा प्रथमा विभक्त्यंत पद कौन है, द्वितीया, ये शब्द द्वितीया में प्रथमा विभक्ति है, द्वितीया शब्द में। अवगतम, अब इसका मतलब प्रथमा से निर्दिष्ट पद कौन हो गया, द्वितीया। विग्रह वाक्य में प्रथमा से निर्दिष्ट पद कौन गृहित होगा, द्वितीयांत पद। तो यदि उपसर्जन संज्ञा होगी भी तो द्वितीयांत पद की होगी और वो कृष्णम की होगी, क्योंकि उपसर्जन संज्ञा करके क्या करते हैं आप, पूर्व प्रयोग करते हैं, तो बेचारा पहले से ही पूर्व में बैठा है तो जिसके लिए आप उपसर्जन संज्ञा करोगे वो हो चुका है, ऐसी स्थिति में उपसर्जन संज्ञा का कोई औचित्य नहीं रहता है तो हम नहीं करते हैं। लेकिन मेरा तात्पर्य यह है, केवल ये अच्छी तरह समझ लीजिए, विग्रह वाक्य यद प्रथमा निर्दिष्टम पदम भवति न तस्य उपसर्जन संज्ञा भवति, अपितु समास विधाये के सूत्रे यद प्रथमा निर्दिष्टम पदम भवति तस्यैव उपसर्जन संज्ञा तस्यैव च पूर्व प्रयोग। इसी तरह से हमने अन्य उदाहरण से समझाया था, राज्ञः पुरुषः इत्यादि प्रयोग में राजन गस पुरुषु में प्रथमा से निर्दिष्ट पद कौन है, विग्रह वाक्य में पुरुषसु, लेकिन पुरुषसु प्रथमा से निर्दिष्ट होता हुआ भी उसकी उपसर्जन संज्ञा कभी नहीं होगी, क्योंकि वहां समास विधान करने वाला सूत्र कौन सा है, षष्ठी, और षष्ठी सूत्र कहता है षष्ठ्यंत पद का सुबंत के साथ समास होता है, और इस षष्ठी सूत्र में षष्ठी जो पद है इस षष्ठी में प्रथमा विभक्ति है, तो इसीलिए उपसर्जन संज्ञा होगी भी तो विग्रह वाक्य में षष्ठ्यंत पद की होगी, और षष्ठ्यंत पद की होगी तो राज्ञः की होगी, और राज्ञः चूंकि पूर्व में बैठा है इसलिए उपसर्जन संज्ञा करने की जरूरत नहीं है। यहां पर मैं आइए तेन सह तुल्य होगी, इस सूत्र में तृतीयांत पद कौन हो गया, तेन, प्रथमांत पद कौन हो गया आपका, सह, तो इस सूत्र में प्रथमा से निर्दिष्ट पद कौन हो गया, सह, तेन तृतीया विभक्ति है, सह प्रथमा विभक्ति है, तो प्रथमा से निर्दिष्ट पद कौन हो गया, सह, तो विग्रह वाक्य में प्रथमा से निर्दिष्ट पद जो सह है उसकी हो जाएगी उपसर्जन संज्ञा, और उपसर्जन संज्ञा जब होगी तो उपसर्जनम पूर्वम से इसका पूर्व प्रयोग होगा, पूर्व प्रयोग होगा तो स्थिति क्या बनेगी, सह पुत्र, स्थिति क्या बनी, ये स्थिति बनी। अब इस प्रयोग में एक सूत्र आता है वोपसर्जनस्य, एक सूत्र आता है वोपसर्जनस्य, उपसर्जन संज्ञकस्य, उपसर्जन संज्ञकस्य पूर्वपदस्य सह इत्यस्य
स आदेशः स्यात्। इसका सीधा अर्थ है उपसर्जन संज्ञक जो सह शब्द उसका बहुव्रीही समास में सह के स्थान में स आदेश हो जाता है। अब इसकी हम व्याख्या करेंगे क्योंकि उपसर्जनस्य यहाँ एक विशेष अर्थ को देता है, क्योंकि उपसर्जन तो जो होता है उसका पूर्व प्रयोग होता ही हमेशा, जो उपसर्जन है उसकी पूर्व उसका पूर्व प्रयोग तो हमेशा होगा ही, तो पूर्व प्रयोग होगा ही, तो फिर यहाँ उपसर्जनस्य सूत्र में कहने की जरूरत क्या है, केवल सूत्र बना देते वाह, पूर्व प्रयोग ही तो करना है, पूर्व प्रयोग जब ही करना है तो सूत्र बना दीजिए वाह, क्योंकि उपसर्जनम पूर्वम पूर्व से हमेशा कर ही रहा है, कठिन तो नहीं हो रहा। तो इस स्थिति में ये कहा कि नहीं नहीं उपसर्जन शब्द जो है यहाँ संपूर्ण अवयव का बोध कराता है, अर्थात संपूर्ण समासिक जो पद है उसको उपसर्जन मान करके काम कर रहा है। तो बहुव्रीही समास में उपसर्जन संज्ञक जो समुदाय, उस समुदाय का जो सहपद, उसी सहपद को ये करेगा। इसलिए उपसर्जन संज्ञक जो बहुव्रीही समास वाला समुदाय में रहने वाला सह, उस सह के स्थान में विकल्प से स आदेश करेगा। तो स आदेश करेगा तो एक पक्ष में क्या बन जाएगा सपुत्र, फिर प्राप्त संज्ञा करेंगे ऋतु विसर्ग करके हम सपुत्र, जिस पक्ष में नहीं होगा उस पक्ष में प्रयोग क्या बन जाएगा सह पुत्र इति। अब ये जो स्थिति बनी है थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ये एक सामान्य सूत्र का अर्थ आ गया कि यदि तृतीयांत पदों का सह आदि प्रथमांत पदों के साथ समास होता है तो उस समास के द्वारा इसका हम प्रयोग करते हैं। तो जहाँ जहाँ कहीं भी सह शब्द आएगा वहाँ वहाँ ये होगा। अब स्थिति आई, ध्यान दीजिए कि आपने प्रयोग ये क्या किया कि पुत्रेन सह आगतः पिता, तो यहाँ सह इस अव्यय इसका समास करके पुत्र शब्द के साथ सपुत्र देवदत्त या सपुत्र पिता, पिता ही तो विशेष है, पिता ही तो अन्य पदार्थ में आ रहा है। अब जब पिता अन्य पदार्थ में आ रहा है, पुत्र अन्य देवदत्त अन्य पदार्थ में आ रहा है, तो यह प्रथमांतार्थ है, यह प्रथमांतार्थ है, और प्रथमांतार्थ में समास चल रहा है, जबकि हम पहले कह रहे थे कि प्रथमांतार्थ में समास कभी होता नहीं। तो प्रथमांतार्थ यदि विशेष होता तत्र समासो न भवति, तरी अत्रापि प्रथमांतार्थत्वमेव वर्तते, कथम तरी समासः, तो कथम तरी समासः, तो यही सूत्र ही इस बात में ज्ञापन करता है कि भैया प्रथमांतार्थ में भी समास होता है, और वो समास यदि होगा तो तृतीयांत पदों का ही होगा, वह समास जो होगा सह के साथ में अव्यय का ही होगा। ये एक विशेष अर्थ बोध कराता है कि प्रथमांतार्थ में समास बहुव्रीही नहीं होता है, यदि कहीं होगा तो इन इन अर्थों में होगा। किस में होगा, तो एक तो आपका तुल्य योग अर्थ में ही होगा और व्यधिकरण में ही होगा, तो व्यधिकरण में भी बहुव्रीही इसमें आ रहा है। इसी तरह से विशेषार्थ को द्योतित करने के लिए अलग बनाया था वहाँ, जैसे हमने कल चर्चा की थी वहाँ भी प्रथमांतार्थ था। तो इसका मतलब ये जितने भी ये सारे नियम चल रहे हैं, ये सारे के सारे विशेष नियम हैं, किसके, अनेक वन्य पदार्थ के, जो अनेक वन्य पदार्थ थे आपको बताया था कि प्रथमांत का ही समास होता है, प्रथमांतार्थ से भिन्न में समास होता है, उसी के विशेष प्रकरण चल रहा है। और ये विशेष सारे अपवाद क्षेत्र है कि नहीं, प्रथमांतार्थ प्रथमांतार्थ में विशेष होने पर भी समास होता है, लेकिन वो तृतीयांत का ही होगा, व्यधिकरण का भी होगा, तुल्य योग अर्थ में ही होगा। अब गतम, तो इस तरह से यह विशेष सूत्र अब लोक व्यवहार में आप जहाँ भी प्रयोग करेंगे, रामेन सह सीता गच्छति, तो स रामः सीता गच्छति, पुत्रेण सह पिता गच्छति, सपुत्रः गच्छति, तो इस तरह से सपुत्रः समित्रः इत्यादि जो भी प्रयोग करते हैं, समित्रः सह गच्छति, समित्रः मित्र शब्द को देख करके आप संदेह मत करना, क्योंकि मित्रेण सह इति समित्रः देवदत्तः, देवदत्त विशेष हो जाएगा, तो देवदत्त पुलिंग में है, इसीलिए बहुव्रीही समास जितना भी होता है वो क्या होता है, विशेषण होता है, तो विशेषण होने के कारण इसका प्रयोग हो जाएगा।
अब यहाँ ध्यान दीजिए कि आपने कहा कि यहाँ जो शब्द है तो इति शब्द जो सूत्र में था इसके द्वारा आपने ज्ञान कराया। अब कहते हैं कि यदि ऐसा आपने नियम बना लिया कि तृतीयांत पदों का सह शब्द के साथ में समास होगा तुल्य योग अर्थ होने पर, तो अब प्रयोग ये है कर्मणा सह सकर्मकः लोमना सह सलोमकः। अब यहाँ समस्या ये आ रही है कि यहाँ तुल्य योग संबद्ध नहीं है कर्म के साथ सकर्मक, तो तुल्य योग संबद्ध जो होना चाहिए था वो संबंध जब नहीं है तो यहाँ पर में सह शब्द का प्रयोग करने पर समास कैसे हो गया, ये एक प्रश्न आया। प्रश्न समझ में आया कि जब आपने कहा कि सह शब्द को समास करते हैं और वह समास जब हम इस प्रयोग में करते हैं तो सह के स्थान में स आता है और तुल्य योग अर्थ में ही आता है, तो जब तुल्य योग अर्थ में जब आता है तो हम प्रयोग करते हैं कर्मणा सह सकर्मकः लोमना सह सलोमकः इत्यादि स्थल में सह शब्द का अर्थ तुल्य योग नहीं है, तो जब तुल्य योग अर्थ नहीं है तो समास कैसे हुआ, ये ध्यान में रखना है। तो कहते हैं कोई बात नहीं, अस्य सूत्रस्य प्रायिकत्वं बुध्यते। अस्य सूत्रस्य प्रायिकत्वं बुध्यते, यह सूत्र प्रायिक सूत्र है। यह सूत्र क्या है? प्रायिक सूत्र है। प्रायिक का मतलब असार्वत्रिक सूत्र है। क्या है? असार्वत्रिक सूत्र है। असार्वत्रिक सूत्र होने के कारण ये भी अर्थबोध हो गया हमको साथ साथ कि यदि तुल्य योग अर्थ न भी हो तब भी सह शब्द के साथ तृतीयांत पद का समास होता है। तुल्य योग अर्थ नहीं होने पर भी सह शब्द के साथ तृतीयांत में केवल साथ अर्थमात्र बोध होने पर भी समास होता है, है ना? तो कहा अब इस सूत्र को प्रायिक आप बता रहे हो, ये प्रायिकत्व का ज्ञान कैसे हो रहा है, कैसे ये तय कर रहा है कि ये सूत्र प्रायिक है? कहा इस सूत्र में जो इति शब्द है ना, इति शब्द, ये इति शब्द जो है इति शब्द का उपादान करने के कारण इस सूत्र का प्रायिकत्व बोध होता है, अन्यथा यह जो इति शब्द कहा यहाँ इसको न भी कहते तो केवल यही यदि सूत्र होता तेन सह तुल्य योगे, तेन सह तुल्य योगे, यदि इतना ही अर्थ होता तब भी तो वही समास निकलता कि सह शब्द के साथ समास होता है, लेकिन इति शब्द के द्वारा जब हम यहाँ बोध करा दिए तो इति शब्द आकर के एक विशेष अर्थ को देगा, और विशेष अर्थ देगा क्या कि यदि इति सह इति यहाँ अर्थपरक निर्देश कर दिया, सह का जो अर्थ है उसके साथ में भी कहीं कहीं समास होता है, तुल्य योग्य तो आगे है ही लेकिन इति पद के द्वारा अर्थ निर्देश कर दिया, और अर्थ निर्देश करके कर दिया कि नहीं भैया यहाँ समास कहीं कहीं इससे भी होता है, इसीलिए ध्यान में रखता है कि हमें इस बात को लेकर के कि यही सूत्र दो अर्थ और तीन अर्थ का ज्ञापन किया विशेष, एक अर्थ तो प्रथमांतार्थ में भी समास होगा, तृतीया का व्यधिकरण होने पर भी समास होगा, और प्रायिक होगा कहीं कहीं तुल्य योग से भिन्न अर्थ में भी हो जाएगा, कारण सकर्मकः का भी होगा, अन्यथा क्या होता यदि, अब फिर आप कहो जब दोनों जगह करना ही था तो फिर ये सूत्र का क्या काम हुआ, लेकिन यदि सूत्र ये नहीं होता तो सह का जो अर्थ है साथ इसी अर्थ में हमेशा समास होता, इस जगह पर में समास नहीं होता, तुल्य योग अर्थ तो कहीं आता ही नहीं तो तुल्य योग अर्थ में भी समास होता है, इसकी जानकारी हमको कैसे मिलती? तो इसीलिए ये प्रश्न यहां मत कर दीजिएगा
मुझे लगता है कि छात्रों को दिक्कत हो रही है समझने में, और जो भी है छात्रों की संख्या कम दिखाई दे रही है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग जितने भी हैं उस हिसाब से चलते रहें और इसकी स्थिति को स्वयं देखें, तो यदि अनुपयोगी रहेगा तो उस हिसाब से भी डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों के लिए ही यह कार्यक्रम चल रहा है। तो इसीलिए जो हमारे यहाँ के छात्रों की बात है उदासीनता, यदि 10,000 रुपये फीस लेकर के पढ़ाने लग जाता किसी कोचिंग में कोई, तो वहाँ धड़ल्ले से छात्र पहुँचते हैं। और अपने यहाँ के छात्रों की एक बड़ी खूबी है कि ऐसा ज्ञान नहीं लेते जिस ज्ञान में कुछ देना नहीं पड़ता है, तो उस चीज़ को भी ध्यान में रख के चलिए, कोई बात नहीं। तो मेरा ये तात्पर्य है कि यह सूत्र एक सूत्र तीन तीन चार चार अर्थों का ज्ञापन कर दिया। चूँकि आप लोग अध्यापक की परीक्षा दे रहे हैं और हमारे छात्रों को कई तरीके से प्रश्न पूछता है, तुल्य योग का क्या अर्थ है, इसमें सह शब्द का क्या अर्थ है, सह शब्द के द्वारा किसका ज्ञापन होता है, तेन किस शब्द का वाचक है, तो ये सारे के सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव रूप में भी उपस्थित होते हैं। तो इसीलिए चाहता हूँ कि प्रत्येक पद का निर्वचन करते हुए आपको कुछ समझाएं। तो इसलिए मैंने ये कहा कि यहाँ जो इति शब्द है, ये इति शब्द जो है ये क्या किया है कि अस अर्थ रूप का जो है बोध कराया कि सह का अर्थ यदि सामान्य अर्थ भी होता है उसके योग में भी समास होता है। तो इस तरह से इति शब्द के करण के कारण इस सूत्र का प्रायिकत्व बोध होता है, और प्रायिकत्व का मतलब हो गया असार्वत्रिक इस सूत्र का बोध होना। अब ये ध्यान दीजिए, बात समझ में आ गई यहाँ। तो ये अब इसीलिए देखिए, इस सूत्र में आपने क्या कहा, ये ज्ञापित करता है। तो कैसे ज्ञापित करता है, आप केवल उदाहरण को देख करके ज्ञापित कर देंगे उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि व्याकरण में बिना प्रमाण के हम कुछ नहीं चलते हैं। हमारा प्रमाण कौन है, हमारे तीनों आचार्य त्रिमुनि व्याकरणम। तो त्रिमुनि व्याकरणम ने में कहीं पर में भी यदि आपको तुल्य योग के अतिरिक्त में समास कहीं दिखाई दे, तो उस समास को देख करके आप कहेंगे कि इसके द्वारा ये ज्ञापन हो रहा है। तो ऐसे बहुत आपको सूत्र मिलेंगे, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं विभाषा साकांक्षे, तो विभाषा साकांक्षे में आकांक्षया सह करके प्रयोग बनाया है साकांक्ष, तो यहाँ भी तुल्य योग अर्थ नहीं है। तो तुल्य योग अर्थ यदि नहीं है तो ऐसे में कैसे समास हुआ है। इसी तरह से सूत्र है आपका विभाषा सपूर्वस्य, तो सपूर्वस्य में भी पूर्वेन सह सपूर्व तस्य सपूर्वस्य, तो यहाँ भी तुल्य योग अर्थ नहीं है। तो पाणिनि जी के बहुत ऐसे सूत्र ही देखे जाते हैं, सपूर्वायाः इत्यादि, तो विभाषा साकांक्षे, इस तरह से कई ऐसे सूत्र आपके सामने में दिखाई देंगे जिस सूत्र में यदि तुल्य योग अर्थ नहीं है तब भी सह शब्द का समास देखा जाता है। तो इसलिए ये वहाँ भी समास करेगा, इसलिए ये नहीं कह सकते कि इसी से ये ज्ञापन जब था कि सह शब्द में समास होता है तो फिर ये सूत्र क्यों बनाए। तो ये सूत्र यदि नहीं होते, नहीं बनाते, तो यह जो तुल्य योग विशेष अर्थ है इस विशेष अर्थ में समास नहीं होता। तो विशेष अर्थ में समास बनाने के लिए सूत्र बनाना पड़ा। अवगतम। तो ये तीन चार बातें इस सूत्र की मुख्य बातें थी, इसके आधार पर आप सारे के सारे प्रयोग बना लेते हैं। तो सूत्र इसीलिए सूत्र के वृत्त में लिखता है तुल्य योगे वर्तमानम सह इति इत्येतत् तृतीयांतेन प्रागवत। तुल्य योग अर्थ होने पर सह जो यह शब्द है प्रथमांत, इस प्रथमांत का तृतीयांत पदों के साथ समास होता है और वह बहुव्रीहि कहलाता है। और फिर बहुव्रीहि होने के बाद वो उपसर्जन से सूत्र से यहाँ पर मैं उपसर्जन संज्ञा का जो उत्सर्जन संज्ञक जो सह शब्द है उसका स आदेश करके हम प्रयोग बना देते हैं, तो सपुत्र सदैव तत्ता इत्यादि प्रयोग सारे बनते हैं। अब इस सूत्र के कुछ, जैसे सूत्र में आपको विभिन्न जो पद है उसके ग्रहण करने से विभिन्न जगह के कुछ अपवाद भी आते हैं, इसीलिए उस अपवाद की जो बातें हमने अभी की, जिसके लिए कहता है कि तुल्य योग वचनम प्रायिकम, इस सूत्र में तुल्य योग वचन जो है ये प्रायिक है। तो तुल्य योग वचन जो है वह प्रायिक है, ऐसी स्थिति में प्रायिक होने के कारण सकर्मकः में भी समास हो जाएगा, सलोमकः भी में भी समास हो जाएगा, तो ये सारे के सारे प्रयोग बन जाते हैं।
इस तरह से फिर अब इस प्रधान सूत्र के बाद कुछ प्रकृति भाव करना, कहीं विकल्प से करना, ये सब तो चलता रहता है। तो इस तरह से इस बहुव्रीहि समास में तुल्य योग अर्थ का बताने वाला ये सूत्र प्रधान सूत्र है। तो ये प्रकरण यहीं समाप्त होता है। इसके अलावा जो आगे का जो प्रकरण है वह आपका तीसरे चौथे नंबर का जो व्यधिकरण बहुव्रीहि है, वो व्यधिकरण बहुव्रीहि वाला समास सूत्र सप्तमी विशेषणी बहुव्रीहो, ये बहुव्रीहो सूत्र बहुत आवश्यक होता है परीक्षा की दृष्टि से। आप क्रमिक ध्यान पे रखिएगा, पहला आपने पढ़ा था समानाधिकरण बहुव्रीहि, दूसरा पढ़ा था व्यतिहार बहुव्रीहि, तीसरा अभी आपने पढ़ा है तुल्य योग बहुव्रीहि। अब जो हम चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे आपके व्यधिकरण बहुव्रीहि का। और व्यधिकरण बहुव्रीहि क्या चीज़ है ये आप अच्छी तरह से समझ गए अभी तक की चर्चा में, कि जहाँ समस्त घटक पद में दोनों पद भिन्न भिन्न विभक्ति में हो, उस भिन्न भिन्न विभक्ति वाले पदों का जो समास होगा वो व्यधिकरण बहुव्रीहि कहलाएगा। जैसे उदाहरण के लिए तौर पर हमने कंठे कालह कुछ सामान्य चर्चा कर लेते हैं। तो कंठे कालह प्रयोग में ध्यान दीजिएगा, यहीं पर मैं कुछ परीक्षा में भी पूछ देता और जो प्रकृति का उदाहरण होता है उसको ध्यान में रख करके कि कंठे कालह आपने जो प्रयोग बनाया है तो कहीं कहीं प्रयोग में उदाहरण में दिख जाता है कंठे कालह यस्य स कंठे कालह, कंठे कालह यस्य स कंठे कालह। आपको वहाँ पर मैं पढ़ाया था जब आप समास किए थे सप्तम्युपमान पूर्व पदस्य उत्तर पद लोपो संख्यानम, वाच्यः करके पढ़ाया था कि सप्तम्यंतवाचक पद यदि पूर्व पद में हो तो उसका समास होता है और उत्तर पद का लोप होता है। उदाहरण दिया था कंठे स्थः कालः यस्य स कंठे कालः, कंठे स्थः कालः यस्य स कंठे स्थः कालः। ध्यान रखिएगा यहाँ, वहाँ कंठे स्थः पद था, वहाँ कंठे स्थः यह प्रथमांत पद था, कंठे तिष्ठति इति कंठे स्थः, तो कंठे स्थः जो था वह प्रथमांत पद था और कालः जो था प्रथमांत पद था। तो कंठे स्थः सु काल सु इसका प्रथमांत समानाधिकरण होने के कारण हमने समास किया था, और समास होने के कारण सप्तम उपमान पूर्व पद जो था, क्योंकि उपपद समास था कंठे तिष्ठति कंठे स्था में और सप्तमी का अलुक हुआ था जिसकी व्याख्या हमने बहुत सारी की थी, ध्यान में है, क्योंकि हम उसी उदाहरण को यहाँ पर में लेंगे इसीलिए आपको उसका पूर्व में मैंने ज्ञान कराया कि कंठेस्था काल यस्य इस सूत्र में सप्तम्यंत घटित स्थ शब्द के साथ उपपद समास हो करके कंठेस्थ ये प्रथमांत पद था, उस प्रथमांत पद का कालह इस प्रथमांत पद के साथ समानाधिकरण होने पर अन्य पदार्थ प्रधान होने पर समास किया था। अब जब हम सप्तमी विशेषणी बहुव्रीहि सूत्र पढ़ते हैं तो इस सूत्र में ये कहता है कि सप्तम्यंत और विशेषणवाची पद का समास जो होता है बहुव्रीहि समास में उसका पूर्व प्रयोग हो। ध्यान दीजिएगा, सप्तम्यंत सप्तम्यंत और विशेषणवाची पदों का प्रयोग बहुव्रीहि समास में पूर्व में होता है, ये इस सूत्र का अर्थ है। अब यहीं से प्रारंभ आप कि यह सूत्र पहले तय किया कि सप्तम्यंत पद का पूर्व में प्रयोग होगा। अब हम जो बार बार ये कह रहे थे कि प्रथमांत पदों का ही समास होता है, तो आखिर पाणिनि ने यह सूत्र बना करके जो कहा कि सप्तम्यंत पद का पूर्व में प्रयोग होता है,
जब सप्तम्यंत प्रयोग बहुव्रीहि समास में होता ही नहीं, सप्तम्यंत का समास ही नहीं होता, तो सप्तम्यंत पद के होने की संभावना ही नहीं थी। जब संभावना ही नहीं थी तो इस सूत्र के द्वारा पूर्व प्रयोग करने का प्रसंग कहाँ से आ गया? अवगतम? यदा अनेक वन्य पदार्थ इति सूत्रे न प्रथमांत पदस्य प्रथमांत पदानामे नामेव समानाधिकरणत्वे सति समासः, तरी बहुव्रीहौ समासे भिन्न पदार्थकस्य भिन्न विभक्तिकस्य पदस्य समासस्य प्रसंग एव नास्ति, कथम तत्र सप्तम्यंत पदस्य पूर्व प्रयोगः। तो पाणिनि जी लिख रहे हैं कि सूत्र के द्वारा सप्तमी पद का उल्लेख करके कि सप्तम्यंत पद का पूर्व में प्रयोग हो रहा है, यही शब्द यही सप्तम्यंत पद व्यधिकरणानामपि बहुव्रीहि भवति इति ज्ञापयति। यही सप्तम्यंत पद यहाँ ज्ञापित कर दिया कि नहीं भैया, बहुव्रीहि समास व्यधिकरण में भी होता है। तो ऐसी क्या आफत आ गई कि आपको व्यधिकरण में भी बहुव्रीहि समास करना पड़ा, क्यों ज्ञापन करना पड़ा? ये सारे चर्चा का विषय है। तो ये सारे जो चर्चा का विषय है, लाइव चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा है? आप कैसे प्रश्न हो रहा है कि आपकी कक्षा लाइव चल रही है क्या? बिल्कुल चल रही है, आप तक कैसे नहीं पहुंच रही है? तो कहने का मतलब, तो यह जो सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहौ सूत्र है, यह व्यधिकरण समास बहुव्रीहि समास में होने का प्रमाण है। इसीलिए इसी प्रमाण के बल पर समास में व्यधिकरण बहुव्रीहि समास भी होता है, जिसकी चर्चा हमको अपेक्षित है। तो इस सूत्र के द्वारा सामान्य रूप से अभी समझिए कि सप्तम्यंत पदपाचक का और बहुव्रीहौ सप्तम्यंत का और विशेषणवाची पद का हम पूर्व में प्रयोग करते हैं। इसीलिए कहता है सप्तम्यंतम विशेषणंच पदम बहुव्रीहौ पूर्वम प्रयोज्यम। तो बहुव्रीहि समास में इसका प्रयोग होता है। और ये क्या चीज़ है? ये नियम सूत्र है। ये क्या है? नियम सूत्र। क्योंकि ये विशेष नियम कर रहा है, इसीलिए आप लोग पढ़े होंगे कि जो सूत्र छह प्रकार के होते हैं, उस छह प्रकार के सूत्र में ये विशेष सूत्र है, नियम सूत्र। तो कहा अब इसका भी उदाहरण क्या दिया भैया? कंठे काल है यस्य स कंठे काल। तो कंठे काल यस उदाहरण दे रहा है। तो कहा आपने पहले तो समझाया था कंठेस्थ काल। तो कहा कि कंठेस्थ काल तो है ही, लेकिन यदि कंठेस्थ काल को इस प्रयोग को आप यदि स्थ के हटा करके कोई केवल ये इतना ही प्रयोग करना चाहता हो कंठे काल यस्य सह, तो ऐसी स्थिति में तो ये सप्तम्यंत पद है। तो सप्तम्यंत पद होने पर भी इस अर्थ में भी तो समास होगा ही, क्योंकि कंठ अधिकरण कंठाधिकरण जो विष का बोध हो रहा है, तो विष कहाँ हो है? कंठ में है। तो सप्तम्यंत पद तो कंठे के द्वारा बोध होगा, तो कंठ में है काल जिसका, ऐसा अर्थ करने के कारण यहाँ शब्द व्यवहारिक प्रयोग के आधार पर सही दिख रहा है। तो कंठेस्था काल यह यदि वाक्य है तब तो कोई दिक्कत नहीं, प्रथमांत से समास कर लीजिए, लेकिन कंठे काल अस्ति यस्य इसी प्रकार के यह एक ज्ञापित कर देने से क्या हुआ? चंद्र शेखरे यस्य, चंद्रमा है सिर पर जिसके, इस बहुव्रीहि को हमने व्यधिकरण को भी बहु पकड़ लिए, नहीं तो वहाँ ये नहीं कह सकते थे चंद्र स्थिते है शेखरा, तो हमने कहा चंद्र शेखरे यस्य, तो शेखरस्थ चंद्र इत्यादि विग्रह नहीं करते हैं। तो एक चूँकि ऐसे अधिकरण वृत्ति में को लेकर के जहाँ कहीं भी प्रथमांत का अन्य पदार्थ के साथ में समास बोध करना था, वहाँ भी समास होता है। वह समास कैसे हो, इस समास को बताने के लिए हमने यहाँ पर में विशेष ज्ञापक के द्वारा इस सूत्र को ये बनाया सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहौ। तो इस तरह से यह कंठे काल इत्यादि जो स्वतंत्र कंठेस्थ से अतिरिक्त जो कंठे इत्यादि सप्तम्यंत पद है, वीणा पाणु यस्य जिसके हाथ में वीणा है, तो हस्ताधिकरण पाणि में अधिकरण वृत्तिता जहाँ सप्तम्यंत के द्वारा बोध कर रहे हैं, ऐसे समस्त पदों का प्रथमांत पदों का समास तभी संभव था जब व्यधिकरण बहुव्रीहि हो। और व्यधिकरण बहुव्रीहि कैसे हो? जब पूर्व में आपने समानाधिकरण का ही बोध कराया, तो ऐसे ज्ञापन के द्वारा इसको व्यधिकरण बहुव्रीहि का बोध कराते हैं। इसीलिए लिखता है अतएव ज्ञापकात् मने अस्य अस्मिन् सूत्रे सप्तमी इति पदग्रहण ज्ञापकात् एव बहुव्रीहि समासो भवति इति बोध्यः। तो इस तरह से ये हमारा एक व्यधिकरण बहुव्रीहि का भी प्रश्न आता है, जिसकी आज हमने सामान्य चर्चा की,
लेकिन इसकी कल विशेष चर्चा करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आज का यह समय संपन्न होता है और ज़्यादा आपको भी परेशान नहीं करना चाहता हूँ। इसी के साथ इस सूत्र की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। और आप लोग ये भी मत कहीं ऐसा कि चलो सत्यनारायण भगवान की कथा चल रही हो, अपन सुन लेते हैं, प्रसाद लिए और चले गए। नहीं, इससे भी अतिरिक्त महत्वपूर्ण है, तो खुद भी आइए, दूसरों को भी लाइए, ताकि आप सबके रहने पर ही इस कक्षा की जो सही वास्तविक स्थिति बन पाएगी, और तभी आनंद है, इसका परिणाम है, फल है। अन्यथा यदि ऐसी स्थिति रहेगी तो फिर मुझे विचार करना पड़ेगा कि घंटों तक चिल्लाने का कोई अर्थ यदि नहीं है, समझाने का अर्थ नहीं है, तो इसका क्या औचित्य होगा। तो ऐसा ना हो तो इसको भी देखिए, आगे भी बढ़ाते रहिए, और फिर अगली कक्षा में अपन 2-4 मिनट के बाद में मिलेंगे। इसी के साथ आप सबको एक बार पुनः यहीं पर विश्राम, बधाई, आशीर्वाद, धन्यवाद।